प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट सुमित जैन साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मेरे साथ है श्री सुमित जैन साहब चाइना से, और सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। बात भी चाइना की ही होगी। नी हाओ, आप भूल गई दोबारा से। नी हाओ बिल्कुल। मगर सर आज चाइना की बात होगी। चाइना के एक बार फिर जो है वो चाइना के इंजीनियर्स हैं, उन पे एक बार फिर अटैक हुआ पाकिस्तान में, और कुछ दिन के लिए उन्होंने काम रोक दिया। अभी सुना है दोबारा शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी काम दोबारा से स्टार्ट हो गया है। क्या लग रहा है आपको, चाइना के साथ ये हो क्या रहा है और इस चीज को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे पाकिस्तानी एजेंसीज? देखिए, पहली बात है कि पाकिस्तान की पिछले जब भी आपका जन्म हुआ था 70-75 साल पहले जब भी हुआ था, तब से हमने देखा कि दो चीजें हैं जिसमें आपको बड़ी ही सख्त नफरत है। एक है डेवलपमेंट, दूसरी जिसको हम तरक्की बोलते हैं, और दूसरा है कि यहाँ पर खुशहाली आ जाए, अमन आ जाए। ये दो चीजें हैं जिसमें आपका कोई भी लेना देना है नहीं। तो उसने जब चाइना ने आके यहाँ बोला कि हम यहाँ पर तरक्की करेंगे, सोने की सड़कें बनाएंगे, जैसे हमने कल भी बात करी थी, तो हुआ क्या कि लोगों को लगा भी सोने की सड़कें आएंगी। सड़क तो जो हमारे पास पहले ही मिट्टी वाली थी वही रहेगी, सोना हम निकाल के ले जाएंगे, चाइनीज का पैसा लगेगा। आपके हुक्मरानों ने भी यही सोचा था, और हुआ कुछ भी ऐसा ही कि भाई तरक्की की बात हुई, आपने बोला तरक्की और हमारे देश में ना, हमें नहीं चाहिए, इसलिए मारो इनको जो तरक्की की बात करते हैं। तो इसलिए ये काम हुआ है। दूसरा, आपको लूटने के लिए एक अच्छा मुर्गा मिल गया था, जिसको पता नहीं था कि पाकिस्तान का डीएनए कैसा है। अब वो डीएनए टेस्ट करके ही पता लगता है। हमने तो चलो 75 साल किया, 1000 साल से डीएनए टेस्ट किया हुआ था, टेस्ट नॉट टेस्ट, तो हमें पता था कि क्या है। चाइनीज ने पहली बार किया था, तो इसलिए हुआ क्या कि वो आए, जब तक इन्हें समझ आती तब तक हो गया था, चिड़िया चुग गई थी खेत। ओ भाई, अमेरिकन को 20 साल लगे समझने में अफगानिस्तान में, चाइना को 10 साल बस समझ आई है। बस हुआ यही है और कुछ भी नहीं है। मगर सर डीएनए हमारा आपका एक ही, आप माने या ना माने, आपके कुछ कहने से कुछ नहीं होता। मैंने आपको बड़ी बात बोला है, आपने लालच में डीएनए चेंज करवा लिया था और बंदूक जो पीछे लगाई हुई थी कि भैया नहीं तो ये हो जाएगा। सर उसे डीएनए चेंज ही होता, लेकिन सर अगर हम चले चाइना तो फिर भी काम दोबारा शुरू कर ही देगा सी पैक पे, लेकिन अगर हम बात करें भारत की, वैसे तो सब जगह के जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं हम उनको देखते हैं इलेक्शन से पहले, जो है वो अपने इलेक्शन कंपेन में लगे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ इस किस्म के विजिट्स हो रहे होते हैं। पीएम मोदी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि वो अभी भी जो है वो इस किस्म की मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं भारत के लिए कोई काम किया जा रहा हो, चाहे वो बिल गेट्स के साथ मीटिंग हो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, बहुत उसका चर्चा पाकिस्तान में भी है, बहुत लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत तारीफ भी कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर भी काफी लोगों ने कहा है। कैसे देखते हैं आप बिल गेट्स और मोदी जी की मीटिंग को और उस उन प्रोजेक्ट्स को जिसको लेके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं? तो कंपैरिजन कोई बनता नहीं है, लेकिन मैं आपके खुशखबरी के लिए एक कंपैरिजन और कर देता हूँ। मैंने सुना है कि एक लव लेटर आया है आपको बाइडन की तरफ से जी। जो आपके सो कॉल्ड इलेक्टेड प्रधानमंत्री के नाम पर आया है। मैं कहता हूं जो भंगड़े आपके मुल्क में पड़े हैं कि जी बाइडन का लव लेटर आ गया। आप सोच के देखिए, 5-6 साल से, मतलब 4-5 साल से तो जो प्रधानमंत्री, कितने तो प्रधानमंत्री चेंज हो गए बीच में, और उसके बाद तो एक लेटर आया है। तो एक तो आपका कंट्री का ये हाल है, और इधर प्रधानमंत्री हमारे हैं कि लोग जो है इन्हें लव लेटर देने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं यार टाइम नहीं है पढ़ने का, अगले साल आना। तो एक बड़ा फर्क है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड विद, देखो ये भी एक इंटेलिजेंस होती है, जैसे आपकी कंट्री में ना प्रधानमंत्री जो थे और पहले भी मेरा ककड़ी था कि क्या था, वो ककड़ था जो भी था, तो वो भी हाँ ककड़, वो भी पूरी दुनिया में आके इतने बड़े बड़े खाने वाली होती है ककड़ी, वेजिटेबल, वही तभी तो आर्मी वालों ने रखा था ना उसे कि ककड़ी रख देंगे खाने पीने के काम आएगी। तो अब हुआ क्या कि उसने पूरी दुनिया में जाकर जो एग्रीमेंट साइन करे हैं, इतनी तो आपकी जीडीपी नहीं है जितने बड़े बड़े एग्रीमेंट उस बंदे ने कर दिए, इसको भी बोलते हैं इंटेलिजेंस। और एक हम है,
हम करते हैं बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आपकी एक्चुअल इंटेलिजेंस है, हम आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, बड़ा फर्क होता है ना। तो मोदी जी उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, और जब उन्होंने बात करी है यहाँ पे सोशल मीडिया में, भारत में भी एक कंपैरिजन हो रहा है, राहुल गांधी से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई थी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते करते इराक के वॉर के ऊपर, सीरिया के वॉर के ऊपर चले गए, भी ये भी एक इंटेलिजेंस होती है। तो मुझे लगता है डीएनए वही होगा जो आपके यहां मिलता है। बट जो मोदी जी ने बिल गेट्स के साथ बात करी है, बिल गेट्स वॉज शॉक्ड कि एक प्रधानमंत्री वो इतना कनेक्टेड विद द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज भी हो सकता है। सबको लगता है यार ये चाय वाला है, इसे क्या पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, या फ्यूचरिस्टिक जो चीजें हैं, कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, इसके बारे में क्या पता होगा। उन्हें पता नहीं है, सबका बाप है ये मोदी है। ही नोस कि मुझे क्या करना अपनी कंट्री के लिए, कंट्री को आगे लेके जाने के लिए क्या चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, एंड ही इज अ वेरी गुड लिसनर। मैंने उनको जब यहाँ पर चाइना में आए थे, हम लोग उनको उनकी विजिट जब थी यहाँ पर 2016 में, तो आई हैड गॉन टू लिसन टू हिम ऑल्सो। सारा डायस्पोरा जाता है उनको देखने के लिए, और बहुत छोटा सा डायस्पोरा है हमारा इंडियंस का चाइना के अंदर। और जब वो बात करते हैं ऐसा लगता है जैसे कि पहली बात वो बात करते नहीं है, पहले वो सुनते हैं, वो पहले दूसरे लोगों की सुनते हैं, उसके बाद वो अपना बोलना शुरू करते हैं। एंड देन ही ऑल्सो इस तरह की जो सोच के आए वही बोलेंगे, वो पहले जो आपसे सुना है उसके ऊपर वो इकट्ठा करके देन ही स्पीक्स आउट, मेकिंग यू फील कनेक्टेड विद इट। यही खासियत है मोदी जी की, जिसके कारण सभी उनके साथ कनेक्ट फील करते हैं। बिल गेट्स हमें मालूम है कि उसकी अपनी फाउंडेशंस हैं, उसकी एनजीओज हैं, और उसने बहुत फंडिंग करने की कोशिश करी है एंटी एंटी मोदी के ऊपर भी। बिल गेट्स माना हुआ है सारी चीजों के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि बिल गेट्स वहां बैठा हुआ था एंड ही वॉज शॉक्ड। और यही चीजें हैं जो मोदी जी अब देखेंगे कि जो बिल गेट्स का एक नजरिया था मोदी जी को देखने का, भारत को देखने का, इस मीटिंग के बाद वो डिफरेंट दिखेगा। यही फर्क होता है इंटेलिजेंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। लेकिन सर अच्छी बात है ना, देखिए मोदी जी ने काम किया तो बहुत से लोग जो नेगेटिव बात करते थे, चाहे बिल गेट्स हो या चाहे पाकिस्तान से भी बहुत से लोग अब तारीफ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो काम किया जा रहा है। लेकिन इलेक्शंस भी आ रहे हैं एक दिन के बाद, जो अप्रैल शुरू हो जाएगा और फिर इलेक्शंस बड़े नजदीक आ जाएंगे। कहाँ देख रहे हैं आप पीएम मोदी की पार्टी को, इसलिए कि और बाकी पार्टीज भी जाहिर है कोशिश कर रही होंगी और कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन उनका भी होगा कंट्री में। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी जो है पार्टीज भी लगी हुई हैं कि कौन सी सीट पे कैसे लड़ना है। कईयों को मिट्टी में मिला दिया, आज ही दफन करके आए हैं, तो ये काम चल रहा है वहां पर तो, और ये होना भी चाहिए था। जो 75 साल नहीं हुआ अभी हो रहा है। वी आर वेरी हैप्पी कि ये गुंडे मवाली जिन्होंने हमें एक हॉस्टेज बना के रखा था पूरी कंट्री को, उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम हमने शुरू कर दिया, और ये करते जाएंगे, अभी रुकेगा नहीं। दूसरी बात, एज फार एज मोदी जी इज कंसर्न, मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में बड़े ही लोग खुश होते हैं मोदी जी का नाम सुनकर। वो चाहते हैं सारे के सारे, आपकी आर्मी चीफ से लेकर आप तक की भी, मोदी जी ही दोबारा आए, क्योंकि क्योंकि आपका भी टाइम बचता है। क्योंकि मोदी जी कहते हैं हमने आपसे बात नहीं करनी, जब वो बात नहीं करते तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता बात करने का, तो आपको लगता है यार टाइम सेव हो गया। तो इसलिए जो है ये वाला, ये मोदी जी अगले 5 साल के लिए आने वाले हैं, तो आपके लिए 5 साल बड़े इत्मीनान से बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, वहां से आप कोई हरकत करने की कोशिश भी करने के लायक रहे नहीं है। तो मोदी ही आ रहा है, ये तो पक्का है। बात ये है कि अब उसकी दस्तक कैसे पता लगती है कि मोदी ही आ रहा है। हमारा यहाँ पर एक छोटा सा स्टेट है अरुणाचल, जिसे चाइना बोलता है कि भाई ये तो मेरा स्टेट है, ये तो मैंने ले जाना है। वहां पर फाइलिंग का टाइम था कि अपने फाइल करना है, ऑपोजिशन पार्टीज एक आदमी भी फाइल नहीं कर पाई, और वहां पे 5 सीटें हैं जो मोदी जी ऑलरेडी जीत चुके हैं अनअपोज्ड। अभी तो इलेक्शन शुरू नहीं हुए, 5-0 का आंकड़ा है। तो आप इसी से समझ सकती हैं कि भाई नंबर अच्छा आने वाला है, नंबर कितना आएगा उसी के ऊपर है, क्योंकि वो 350 होंगे, 400 होंगे, 450 होंगे, कितने होंगे। मेरा अपना अनुमान है कि 400 प्लस आना चाहिए, मोदी जी का टारगेट भी 400 प्लस का है। मैं तो चाहता हूँ 500 प्लस आए, और ये जो थोड़े बहुत स्यापे रह गए हैं पीओके, ये वो बलोचिस्तान भी बीच में कवर कर लेंगे, ये भी हम खत्म कर ही दें। बिल्कुल ठीक बात है सर, अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है यही होने जा रहा है। लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट में इमरान खान के कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स थे जो टीवी चैनल पे भी आया करते थे, वो मोदी जी के बारे में कुछ बता रहे हैं। मोदी जी का फोन नहीं उठा रहे थे इमरान खान। अगर आप मुझे इजाजत दें मैं 1 मिनट का क्लिप प्ले कर लूं।
$10, $5, $6, $7, $14, $11 का बैरल आ रहा है 158 लीटर। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि पानी अल्लाह ताला ने सस्ता कर दिया है और फ्यूल जो है तेल मसनुआ सॉरी पानी पानी महंगा हो गया है और तेल मसनुआत सस्ती हो गई है, इस हद तक उसका कोई खरीदार नहीं। तो मोदी का तो हम कॉल खुद नहीं उठा रहे, इमरान खान ने कहा बात ही नहीं हो सकती उसके साथ, और जो बाइडन उसको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो हमें कॉल करे, यानी वो शर्मिंदगी उसको है। इमरान खान साहब ने उसको जो बात कई मरतबा समझाई, खास तौर पे अमेरिका जाकर बैठकर समझाई, उसे वो बात समझ नहीं आई जो बाइडन तो देखा आपने मोदी जी साहब बात ही कोई नहीं करते, फोन कर रहे इमरान खान फोन ही नहीं उठा रहे थे, और जो बाइडन उस काबिल ही नहीं समझते कि उससे कोई बात करे, क्या कहेंगे आप आरजू जी? हमारे यहाँ पर ना ऐसे लोगों को बोला जाता है पत्तलकार, जो पत्तल पे बैठ के जहां मर्जी डाल दो, जैसे कुत्ते को डालते खाना वैसे इनको डाल दो, ये खाना शुरू कर देंगे, इनकी उसी कैटेगरी में ये आते हैं। इसका रोके हमारे भी देखा मैंने, जैसे हमारे यहाँ पर एक राहुल गांधी नाम का, कभी नाम तो सुना होगा आपने राहुल गांधी का, ऐसे ही कुछ और भी हैं दो तीन चैनल्स, वहां पे भी राहुल नाम के पता नहीं क्यों ऐसे आदमी आते हैं, वो भी बहकी बहकी बातें ही करते हैं, नाम का कुछ असर होता है। जैसे इमरान खान कई बार बहकी बहकी बातें कर जाते थे, वैसे इसका भी नाम इमरान खान ही था, ये भी वैसी बातें करते हैं, कुछ नाम का ही असर होता है और कुछ चक्कर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, ना सिर्फ हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि खासकर पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो पाकिस्तान की कंडीशन है जहां पे चाइनीज वर्कर्स के ऊपर जबरदस्त अटैक्स हो रहे हैं और बीएलए एकदम से एक्टिव है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।